हेलो दोस्तों, आपका एक्टिव एकेडमी में फिर से अभिनंदन है। हमने पिछले वीडियो में जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत का पहला भाग पढ़ा था, आज हम उसका दूसरा वीडियो बना रहे हैं। तो वापस से शुरू करते हैं। देखिए, जॉन रोल्स ने न्याय के तीन सिद्धांत बताए, तीन सिद्धांत प्रिंसिपल बताए। वो कौन कौन से, पिछले वीडियो में हमने बात की थी। पहला स्वतंत्रता का सिद्धांत, दूसरा उन्होंने बताया समानता का सिद्धांत, और तीसरा बताया था अंतर का सिद्धांत। अंतर का सिद्धांत, देखिए साथियों, समानता मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जॉन रोल्स ने स्वतंत्रता समानता का समन्वय किया अपने न्याय सिद्धांत में। और आपको इन सिद्धांतों के आधार पर यह समझ भी जाएगा कि किस प्रकार से उसने अपने न्याय सिद्धांत में स्वतंत्रता और समानता को स्थान दिया, और यही नहीं लोक कल्याणकारी राज्य को भी कैसे स्थान दिया। देखिए, स्वतंत्रता से वो क्या कहता है, वो कहता है सभी व्यक्तियों को अवसर मिलेगा। क्या मिलेगा? अवसर। किनको मिलेगा? सभी व्यक्तियों को मिलेगा, सभी को मिलेगा। अर्थात आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए, उन्नति करने के लिए राज्य अवसर में भेदभाव नहीं करेगा, अवसर सभी को दिया जाएगा। इसलिए इसे कहा जाता अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। अब ये अवसर की समानता राज्य सभी को देगा। जैसे कौन कौन सी स्वतंत्रता है मुख्य रूप से, जैसे संपत्ति बनाने की, कुटुंब बनाने की, अपने परिवार में रहने की, अपने विचार अभिव्यक्त करने की, इस प्रकार से राजनीति में भाग लेने की, वोट डालने की, चुनाव लड़ने की, इस मामले में सब व्यक्तियों को ये अधिकार प्राप्त होंगे। ये स्वतंत्रता ऐसा नहीं कि कुछ व्यक्तियों को प्राप्त होंगी और कुछ व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होंगी। अवसर सभी को मिलेगा चुनाव लड़ने का, जीतता कौन है वो दूसरी बात है, लेकिन चुनाव लड़ने से वंचित नहीं किया जाएगा। इस आधार पे नहीं किया जाएगा कि वो अमुक जाति का है, इस आधार पे नहीं किया जाएगा कि वो किस धर्म का है, इस आधार पे नहीं किया जाएगा कि वो गरीब है, इस आधार पे नहीं किया जाएगा कि वो अमीर है। अर्थात ये राइट्स, ये स्वतंत्रताएं, ये अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त होंगे, सभी को प्राप्त होंगे, ठीक है। इसलिए यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, राइट्स दे दिए, तो स्वतंत्रता मिल गई है, अवसर की समानता सबको होगी। यहां पर आपने देख लिया होगा साथियों, इसने एक प्रकार से किसका समर्थन कर दिया है, उदारवाद का समर्थन कर दिया है। उदारवाद, स्वतंत्रता की बात करके उसने उदारवाद का समर्थन कर दिया है। उसके न्याय सिद्धांत का हमें उदारवाद भी दिखाई देगा और हमें उसे समाजवाद भी दिखाई देगा। यहां देखते हैं समानता की बात करता है तो समानता के लिए वो क्या कहता है। वो कहता है कि जो भी व्यक्ति हैं वो समान होंगे, समाज में जो वितरण किया जाएगा, अर्थात वो असमानता को स्वीकार कर रहा है। वो ये कहता है कि भाई समाज में समानता होनी चाहिए। यहां जब वो समाज में समानता की बात कर रहा है तो ऐसा लगता है वो समाजवाद का समर्थन कर रहा है, क्योंकि कह रहा है कि लोग ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो संसाधनों का वितरण होगा वो असमानतापूर्ण नहीं होना चाहिए, क्यों? असमानता क्या लेके आती है, अन्याय को लेके आती है। तो यहां वो जो समानता की बात कर रहा है साथियों, तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि वो ये कह रहा है कि समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता होनी ही नहीं चाहिए। वो कहता है ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं बन सकती जिसमें सामाजिक और आर्थिक असमानता न हो। रहेगी, लेकिन ये सामाजिक और असमानता की जो खाई है ना, वो कम से कम होनी चाहिए, ये ज्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। तो यहां जो समानता की बात कर रहा है तो वो कह रहा है कि सभी को, सभी लोग समान हैं,
और समान है तो वो एक प्रकार से साथियों पूंजीवाद का समर्थन कर रहे हैं। तो देखिए यहां किस प्रकार से समानता की बात कर रहा है, यहां पर वो इस रूप में समानता की बात कर रहा है कि भाई जो भी व्यक्ति यहां पर संसाधनों का वितरण होगा तो उसमें सभी को लाभ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए सभी को लाभ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ व्यक्तियों को लाभ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ वर्गों को लाभ हो, बल्कि सभी व्यक्तियों को सभी वर्गों को उसका लाभ मिलना चाहिए। यहां के लिए वो बहुत अच्छी बात कहता है कि ये असमानता यानी यह समाज में असमानता क्यों आ जाती है, सामाजिक और आर्थिक असमानता क्यों स्थापित हो जाती है, तो उस असमानता के वो तीन सोर्स बताता है, स्रोत। असमानता आने के तीन स्रोत बताता है। कौन कौन से? एक तो कहता है कि भाई लीगल कानूनीकरण, राज्य ही ऐसा कोई कानून बना दे कि भाई इस जाति के लोग डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, इस जात धर्म के लोग डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, इस प्रदेश के लोग डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, यानी कानूनी रूप से प्रोहिबिटेड कर दिया जाए। अब कानूनी रूप से प्रोहिबिट किया जा रहा है तो उसकी यहां समाज में क्या जाएगी, असमानता आ जाएगी। एक असमानता तो यह आ गई, असमानता आने का कारण कानूनी कारण हो सकता है और ऐसा कानून कौन बनाएगा, राज्य। एक असमानता आने का कारण होता है उसका बर्थ स्टेटस, जो व्यक्ति जन्म ले रहा है वो किस परिवार में किस बैकग्राउंड में जन्म ले रहा है। मान लीजिए उसके परिवार का बैकग्राउंड है उसकी बर्थ स्थिति यानी जन्म की स्थिति, जन्म स्थिति से तात्पर्य यह है कि उसका बर्थ स्टेटस से तात्पर्य है कि वो किस परिवार में जन्म ले रहा है। मान लीजिए वो गरीब परिवार में जन्म ले रहा है तो उसके आगे बढ़ने की अवसर उसे कम मिलेंगे, क्योंकि उसके परिवार की जो विकट परिस्थितियां होंगी वो उसे आगे बढ़ने से रोकेगी। और कोई दूसरा व्यक्ति अमीर परिवार में जन्म ले रहा है, धनी परिवार में जन्म ले रहा है, तो उसे उसका जो बैकग्राउंड है परिवार का, इकोनॉमिक जो स्थिति है, तो उस व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए सहूलियत प्रदान करेंगी। तो ये जन्म स्थिति के कारण भी समाज में क्या आ जाती है, आर्थिक और सामाजिक असमानता आ जाती है। तीसरा असमानता का कारण होता है टैलेंट एंड एफर्ट्स से तात्पर्य साथियों कि आप ये समझें योग्यता प्रियता। कुछ व्यक्ति हमारे अमीर परिवार में भी जन्मे हैं लेकिन वो क्या है, उनमें योग्यता कम है और वो प्रयास भी कम करते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ व्यक्ति गरीब परिवार में भी होकर उनमें योग्यता ज्यादा होती है और टैलेंट होता है, प्रयत्न एफर्ट्स अच्छे करते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए जो व्यक्ति योग्य होगा और प्रयत्न करेगा वो ज्यादा बड़े पदों पे चला जाएगा, उसकी इनकम ज्यादा होगी। इसी प्रकार से जो व्यक्ति भाई परिवार से अच्छा होगा, धनी परिवार में जन्मा है, वह बड़े पदों पे जा सकता है, उसकी इनकम ज्यादा होगी। इसी प्रकार से अगर राज्य ने किन्हीं व्यक्तियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है वो व्यक्ति पिछड़ जाएंगे और जो जिनको प्रतिबंध नहीं लगाया गया है वो आगे निकल जाएंगे, समाज में क्या जाएगी, असमानता आ जाएगी। तो ये तीन कारण है असमानता के समाज में आने के। इन तीनों कारणों में जॉन रोल्स ये कहता है इन कारणों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये अस्वीकार्य है। राज्य अगर प्रतिबंध लगा रहा है तो वो अनजस्टिस है, अन्यायपूर्ण है। इसी प्रकार से बोला असमानता अगर बाय बर्थ आ रही है, बर्थ स्टेटस से आ रही है, तो बोले यह भी गलत है, यह भी नहीं होनी चाहिए। तो इसको वो स्वीकार करता है। जॉन रोल्स कहता है जो योग्यता
और प्रियतम की वजह से व्यक्ति बड़ा पद प्राप्त कर रहा है और दूसरे व्यक्ति में योग्यता कम है और वह एफर्ट्स भी कम कर रहा है, तो वह व्यक्ति नीचे रह जाएगा। तो अब जो नीचे रह गया और ऊपर चला गया, उनमें क्या हो जाएगा? असमानता आ जाएगी। इस असमानता को वो जायज ठहराता है। तो कहता है ये तो समाज में असमानता रहेगी ही। तो ये असमानता के तीन कारण हैं। इन तीन कारणों में जॉन रॉल्स इन दोनों को स्वीकार नहीं कर रहा है, बोलिए अनजस्टिस वाले हैं, इसको जस्टिफाई करता है, न्याय संगत ठहराता है। तो आपको यह लगता होगा वो पूर्ण समानता की बात करता है, पूर्ण समानता की बात नहीं करता है। वो कहता है ऐसा कोई समाज ही नहीं हो सकता जिसमें पूर्ण समानता आ जाए। वो कहता है उस समाज में असमानताएं विद्यमान रहेंगी, लेकिन ये असमानताएं इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। और ये असमानता योग्यता व प्रयत्न के द्वारा अगर निर्धारित होती है तो वह स्वीकार करने लायक है, तब तो वह न्याय संगत है। और इनके अतिरिक्त किसी और कारण से अगर ये असमानताएं बनी हैं तो वो न्याय संगत नहीं ठहराई जा सकती। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि एक रमेश व्यक्ति है और एक संजय है। देखिए रमेश हरिजन जाति में जन्मा है और संजय ब्राह्मण जाति में जन्मा है। अब देखिए इसकी रमेश की पारिवारिक स्थिति गरीब है जन्म से और संजय धनी व्यक्ति है, धनी परिवार में जन्मा है। इसी प्रकार से साथियों जो रमेश है वह ज्यादा योग्य है, ज्यादा क्षमता है उसमें, और प्रयास भी कर रहा है अच्छा, यह इसमें योग्यता भी कम है और प्रयास भी कम कर रहा है। तो देखिए जो रमेश है वह तो डॉक्टर बन गया है और संजय ऑटो ड्राइवर बन गया है। अब देखिए इसका सामाजिक स्टेटस, समाज में इसकी वैल्यू, समाज में इसका सम्मान ज्यादा होगा, समाज में इसका सम्मान थोड़ा कम होगा। इसकी सामाजिक स्टेटस अप होगा, इसका सामाजिक स्टेटस डाउन होगा। अप डाउन आते ही क्या आ गई है? असमानता आ गई है। अब देखिए इसकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है, इसकी सालाना इनकम मान लीजिए 2 लाख रुपए है, तो आर्थिक स्थिति में भी क्या आ गया है? अंतर आ गया, सामाजिक और आर्थिक अंतर आ गया। और ये अंतर आने ही क्या कहेंगे? सामाजिक और आर्थिक असमानता स्थापित होगी। पर अब स्थापित होने के कारण ये बताइए रमेश हरिजन जाति में जन्मा है तो क्या ये गलत है? नहीं गलत है, लेकिन राज्य ने प्रतिबंध लगा रखा है कि हरिजन को डॉक्टर नहीं बनाया जाएगा। ये क्या स्वीकार्य है? इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन राज्य ने यहां प्रतिबंध लगा दिया, इस वजह से डॉक्टर नहीं बन पाया। तो ये अनजस्टिफाई है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? उसे आगे बढ़ने का यानी डॉक्टर बनने का अवसर ही नहीं दिया, हमने उसे क्या कर दिया? अवसर की समानता से वंचित कर दिया, ठीक है ना? इसको हमने वो अवसर दे दिया इसलिए वो बन गया। तो यहां जॉन रॉल्स कहता है इसे स्वीकार करो। अब मान लीजिए हम ये लेते हैं कि इसमें न तो रमेश का कोई दोष है कि वो हरिजन के रूप में जन्मा, न रमेश का इसमें दोष कि उसके गरीब परिवार में जन्मा। हां यहां रमेश का दोष है, उसमें योग्यता भी कम है और उसने प्रयास भी कम की। सॉरी ऊपर मैंने ये बता दिया, इधर ये बनेगा, सॉरी भाई लिखने में, यहां रमेश को अपन दिखाएंगे
ऑटो ड्राइवर, सॉरी ऑटो ड्राइवर, और इसको दिखाएंगे अपन एज ए डॉक्टर। तो यहां 10 लाख इनकम हो जाएगी ईयरली और इसकी हो जाएगी 2 लाख। ये लिखने में ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो यहां देखते हैं वापस कि ये ब्राह्मण परिवार में जन्मा है, इसमें इसके कोई भी एफर्ट्स नहीं है, इसका कोई प्रयास नहीं कि वो ब्राह्मण के घर में जन्मा, तो इस आधार पर इसको अवसर दिया जाए, ये न्याय संगत नहीं। इसको भी अवसर मिलना चाहिए और इसको भी अवसर मिलना चाहिए। यहां पर ये धनी परिवार में जन्मा, इसका कोई एफर्ट्स नहीं है। यहां ये गरीब परिवार में जन्मा, इसका कोई दोष नहीं है, कोई एफर्ट्स नहीं है, इसलिए इस आधार पर भी वंचित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके आधार पर किया जा सकता है। लेकिन इसके आधार पर भी हम अवसर में नहीं वो भेदभाव करेंगे। अवसर तो दोनों को दिया जाएगा, इसको भी दिया जाएगा संजय को भी, और अवसर दिया जाएगा रमेश को भी। लेकिन रमेश में जैसे कि लेकिन चलते हैं कि रमेश को अवसर दे दिया, लेकिन इसने योग्यता इसमें कम थी और इसमें योग्यता ज्यादा थी, ज्यादा थी योग्यता। तो देखिए इसने कम योग्यता थी तो इसमें इसका दोष है, इसमें योग्यता ज्यादा थी, इसमें इसका एफर्ट्स भी शामिल है, तो ये हकदार है। अब ये जाकर डॉक्टर बन गया तो अपने प्रयासों से बनना है। यहां पर ये डॉक्टर बनने से रुक गया तो इसकी खुद की कमी है। लेकिन ध्यान रखें, इसको ये रोका नहीं जा सकता कि डॉक्टर का तू फॉर्म नहीं भर सकता, तू एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकता। लिखने में साथ ही थोड़ी गड़बड़ हुई थी, आप समझ गए होंगे मूल भाव मेरा। अब आते हैं अपन इसमें। तो राज्य, मान लीजिए राज्य ने यहां प्रतिबंध भी नहीं लगा रखा, ये हरिजन जन्मा, ये ब्राह्मण जन्मा। अब इसमें इसका क्या दोष है कि ये गरीब घर में जन्मा और ये धनवान घर में जन्मा, तो क्या होगा कि इसको वो सहूलियतें नहीं मिलेंगी आगे बढ़ने के लिए, इसका जीवन संघर्षमय होगा और इसका जीवन संघर्षमय नहीं होगा। इस वजह से ये इसको क्या हो रही है, एक प्रकार से रमेश को हानि हो रही है। तो इस हानि की पूर्ति कौन करेगा, इस हानि की पूर्ति राज्य करेगा। हानि की पूर्ति कौन करेगा, राज्य करेगा। किस रूप में करेगा मैं भी थोड़ी देर बताऊंगा। हानि की पूर्ति करेगा, हानि यानी क्षति, उसको क्षति हो रही है। किसको, रमेश को। किसकी वजह से, बर्थ स्टेटस की वजह से, और बर्थ स्टेटस की वजह से उसको क्षति हो रही है, तो उस क्षति की पूर्ति कौन करेगा, राज्य करेगा। इसलिए जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत को हम क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। अब लेते हैं साथियों कि यहां पर आकर कि अब बात उठती है कि भाई ये क्षतिपूर्ति कैसे की जाए। तो वो वहां अपने तीसरे सिद्धांत में, अंतर के सिद्धांत में समझाता है। वो कहता है ये अंतर तो होगा, जो योग्यता व प्रयत्न के द्वारा जो समाज में अंतर आया है वो अंतर तो रहेगा, और इस अंतर को गैप है, जो जो गैप है किसका, असमानता का। मैं यहां ये आपको बताने का प्रयास करता हूं, जैसे रमेश ऑटो ड्राइवर है और संजय डॉक्टर है, तो ये गैप है इनका। इसकी सालाना इनकम 10 लाख है, इसकी सालाना इनकम 2 लाख। इसका सामाजिक स्तर निम्न है, उसका सामाजिक स्तर अप है, तो ये गैप है, ये असमानता है। इस असमानता का जो गैप है, इस गैप को उसे कम करना है। रोल्स कहता है इसे खत्म नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना। ये अंतर तो रहेगा, लेकिन इस अंतर को हमें क्या करना है, कम करना है। और कम करने के लिए राज्य क्या करेगा, राज्य टैक्स लगाएगा। क्या लगाएगा साथियों, टैक्स। किसके ऊपर, इसके ऊपर टैक्स लगाएगा, इससे कुछ पैसा वापस लेगा, टैक्स ईयरली।
और वो टैक्स लेकर किसके ऊपर खर्च करेगा? रमेश ऑटो ड्राइवर के ऊपर। क्यों? रमेश जैसे, यानी यहां रमेश से तात्पर्य रमेश जैसे जो वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर, क्योंकि बाय बर्थ ये गरीब थे, इनका बर्थ स्टेटस क्या था? गरीब। तो इसमें इनका कोई दोष नहीं है। तो इनकी स्थिति सुधारने के लिए, ऐसे वर्गों की स्थिति सुधारने के लिए राज्य बहुत सी पॉलिसी बनाएगा, बहुत सी योजनाएं बनाएगा। जैसे इन इनके बच्चों के लिए या ऐसे व्यक्तियों के लिए स्कॉलरशिप देगा, छात्रवृत्ति देगा, इनके लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था करेगा, इनके लिए स्कूल और कॉलेज खोलेगा। इसके अतिरिक्त इनके लिए और कोई ऐसी योजना जिससे कि इनका उद्धार हो सकता है। और ये सारी योजनाएं चलाने के लिए राज्य के पास पैसा कहां से आएगा? संजय जैसे जो ज्यादा कमाने वाले व्यक्तियों के पास। तो यहां से टैक्स लेगा और यहां पर, और यहां तक भी, यहां इनको आरक्षण भी दे सकता है, आरक्षण भी दे सकता है। तो इस प्रकार से देखिए, जब इनको आरक्षण मिला, स्कॉलरशिप मिली, इनको फ्री कोचिंग मिली, इनके लिए स्कूल और कॉलेज भी, इनकी फीस माफ हो गई, तो ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे? इनकी इनकम बढ़ जाएगी, इनका आर्थिक स्तर बढ़ जाएगा। इनका थोड़ा टैक्स ले लिया तो इनकी इनकम थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये गैप पहले तो यहां से यहां तक था, और अब ये गैप क्या हो गया है? ये यहां आ गए और ये यहां आ गए। तो अब ये गैप कितना रह गया? इतना रह गया। रोल्स कहता है इस गैप को हमें कम करना है। पहले गैप यहां से लेकर यहां तक था, अब गैप कितना है? यहां से लेकर यहां तक। तो रोल्स कहता है ये अंतर तो बना ही रहेगा। आप ये सोचो कि समाज में से आर्थिक और सामाजिक विभेद को, अंतर को पूरी तरह समाप्त कर दे, नहीं किया जा सकता। लेकिन इस अंतर को हमें कम करना है, अर्थात जो उसकी बाय बर्थ बर्थ स्टेटस की वजह से जो क्षति हुई थी उसकी हमें पूर्ति इस रूप में करनी है। और इस रूप में जो कार्य राज्य कार्य करता है उसको हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य। तो जिसका तीसरा अंतर का सिद्धांत था, मैंने कहा था अंतर का सिद्धांत। अंतर का सिद्धांत क्या कहता है? कि राज्य कैसा होना चाहिए? लोक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट। अब आपको लगेगा कि इसमें तो केवल और केवल इसको फायदा हो रहा है, रमेश को या रमेश जैसे वंचित वर्ग को, ऐसा नहीं। वो कहता है अंतर के सिद्धांत में क्या है, जो संसाधनों का वितरण होगा उसमें सभी को लाभ मिलना चाहिए। किसको? सभी को लाभ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस राज्य का कोई व्यक्ति या कोई वर्ग उस लाभ से वंचित हो गया, उसको लाभ नहीं मिला। लाभ सभी को मिलना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ, सबसे ज्यादा लाभ, सबसे ज्यादा लाभ सबसे वंचित व्यक्ति को मिलना चाहिए। यानी कि जो समाज में सबसे कमजोर है, वीकेस्ट है, सबसे कमजोर है, उसको सबसे ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। इसने इसे जंजीर के रूप में देखा है। मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था, उसने कहा कि समाज एक जंजीर की तरह है, एक चैन की तरह है। मैंने बताया था इस प्रकार जंजीर होती है, और इस जंजीर में यह कड़ी सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर। तो रोल्स कहता है कि इनको ताकतवर बनाने की बजाय इस जो सबसे कमजोर है उसको सबसे ज्यादा ताकतवर बनाओ। अगर इसको आपने ताकतवर नहीं बनाया तो जंजीर टूट जाएगी। तो कह रहा है जब भी आप वितरण करो संसाधनों का, तो वितरण करते समय एक तो ध्यान रखो कि सभी को लाभ मिलना चाहिए, परंतु सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलना चाहिए? सबसे ज्यादा लाभ जो समाज का जो सबसे कमजोर वर्ग है उसको अधिकतम लाभ मिलना चाहिए। इसलिए साथियों, जॉन रोल्स के सिद्धांत को हम अंतर का सिद्धांत भी कहते हैं। अंतर का सिद्धांत इसलिए कह दिया कि ये कह रहा है समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता तो विद्यमान रहेगी। इसने इसे ही हमने किस नाम ले, क्षतिपूर्ति का। मैंने क्या कह दिया कि सरकार टैक्स लगाएगी, राज्य टैक्स लगाएगा, धनी के ऊपर, लोगों के ऊपर टैक्स ज्यादा लेगा, और वो खर्च किस पे करेगा? कमजोर वर्ग के ऊपर करेगा। तो बाय बर्थ स्टेटस की वजह से
जो असमानता आई है उसको दूर किया जाएगा, अर्थात उस क्षति की पूर्ति कराई जाएगी, इसलिए इसे क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। मैंने कहा था कि शुरुआत में कि जो न्याय के नियम कौन बनाएगा, तो न्याय के नियमों के ऊपर बात चली थी, तो न्याय के नियम ये समाज के लोग आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, समझौता करेंगे, समाज के लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये समझौते से न्याय के नियम बनेंगे, न्याय के नियम बनेंगे। तो लोग समझौता कर रहे हैं, इसलिए इसे अनुबंधवादी न्याय का सिद्धांत या समझौतावादी न्याय का, अनुबंधवादी न्याय का सिद्धांत भी कहा जाता है और इसे वितरण का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि संसाधनों का क्या किया जा रहा है, राज्य के द्वारा वितरण कहा जाता है, तो इसे वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत भी कहा जाता है। साथियों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अपन अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।